आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्यों मिल्क को हीटअप करने से मिल्क ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर गिर जाता है, लेकिन जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो नहीं गिरता। इसमें क्या डिफरेंस है? मिल्क एक ऐसा लिक्विड है जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें फैट पाए जाते हैं, इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, ये सब इस मिल्क में पाए जाते हैं। जब मिल्क को हीटअप किया जाता है तो उसमें जो भी फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स होती है तो वो एक सरफेस पे आते हैं, मिल्क की सरफेस पे आते हैं, और उस सरफेस पे वो एक लेयर बनाते हैं। उस लेयर को हम क्रीम क्रीम भी कहते हैं। जब वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह, फैट्स आ जाते हैं मिल्क की सरफेस पर, तो इसी हीटिंग के दौरान जब वाटर वेपर्स बनने लगते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर वेपर्स बनने लगते हैं, तो वाटर वेपर बाहर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लेयर्स इसके ऊपर बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है लेयर्स, वो लेयर उनको बाहर जाने नहीं देती है, उनको भागने नहीं देती है, क्योंकि वो वहां सरफेस पर लेयर बनी हुई होती है, इसलिए वाटर वेपर्स बाहर नहीं जा सकते। जब मिल्क को ज्यादा प्रेशर फर्दर हीट अप किया जाता है तो वाटर वेपर प्रेशर बनाते हैं उस लेयर पर। जब नीचे से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो वाटर वेपर्स बढ़ेंगे, वाटर वेपर्स जब प्रेशर बनाते हैं उस लेयर पे तो वो जो लेयर है ऊपर आने लगती है, और इस वजह से जो दूध होता है वो बाहर पतीले के बाहर या उसके बाहर आने लग जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जब हम पानी को उबालते हैं तो उस पर कोई वो बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसमें कोई लेयर्स बनती नहीं है, उसमें कोई फैट्स वगैरह तो है नहीं, इसलिए वो जो वाटर होता है उसको बॉयल आसानी से किया जाता है, उसमें जो लेयर्स नहीं होती है तो वो वाटर वेपर जो इसमें बनते हैं वो इजिली स्केप कर जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, इसलिए इसमें वो बाहर नहीं निकलता।